हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्पना। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेट्रोरेजिया के बारे में। मेट्रोरेजिया यानी कि पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होती है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसको हम मेट्रोरेजिया कहते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक पे और बात करने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेट्रोरेजिया या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये जो मेट्रोरेजिया है, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं या मेंसेस होते हैं, उसके बीच में अगर कभी भी ब्लड फ्लो हो रहा है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, चाहे वो स्पॉटिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। तो मेट्रोरेजिया के क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं? तो यूट्रस में अगर आपको फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, कोई ग्रोथ है, सर्विक्स में अगर कोई पॉलिप है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इंजरी हुई है, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है। कई बारी जो फीमेल्स मीनोपॉजल एज में जाती हैं, तो मीनोपॉज के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है। कई बारी प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड कंप्लेन कुछ आपको हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, तो ये सब भी कुछ कारण है मेट्रोरेजिया के। अगर कोई मेलिग्नेंसी है यूट्रस में या सर्विक्स में, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मेलिग्नेंट ग्रोथ हो रहा है तो तभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अगर मेट्रोरेजिया है तो उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, मेट्रोरेजिया तो एक सिम्टम है, यानी कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस जो होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं, उसके बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो जो उसका कारण है, जो उसका रीज़न है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उसे ट्रीट करना है, ताकि जो सिम्टम है मेट्रोरेजिया यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उससे रिलीफ मिल पाए। तो यानी ट्रीटमेंट डायरेक्टली क्या कॉज है उसके हिसाब से है, कॉज को हम ट्रीट करेंगे तो जो ये सिम्टम है इसमें रिलीफ मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, मेडिसिन के बारे में बताने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना है। अगर आप लोगों की कोई भी मेडिकल कंडीशन है, अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, आपको मेडिसिन लेनी है, तो इसके लिए ज़रूर आपको फिजिशियन को कंसल्ट करके ही दवा लेनी है। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो इस केस में हेल्पफुल है। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है थैलेप्सा बर्सा पेस्टोरिस। थैलेप्सा बर्सा पेस्टोरिस में क्या होता है कि ये जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है, और पूरा ऐसा लगता है कि साइकिल्स पूरे कंटिन्यू ही हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में थैलेप्सा बर्सा पेस्टोरिस अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सबाइना। सबाइना में हम क्या देखते हैं कि क्लॉट्स जा रहे हैं, तो अगर क्लॉट्स जाते हैं तो उस केस में सबाइना अच्छा काम करती है। कुछ फीमेल्स कंप्लेन करती है कि उनको बहुत ज़्यादा बैक एक, कमर में दर्द रहता है, ऐसी उनको परेशानी है, तो उस केस में ट्रिलियम पेंडुलम एक दवा है जो बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। चाइना में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, एग्जॉशन हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लड लॉस बॉडी से हो रहा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस करना, वीक फील करना, एनर्जेटिक नहीं फील करना, लेथार्जिक फील करना, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया अगर मीनोपॉजल एज में कोई फीमेल जा रही है, उनका मीनोपॉज होने वाला है और उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम है, साथ में थोड़ी सी इरिटेबल फीमेल है, तो उस केस में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। कई बारी हम क्या देखते हैं कि अगर मेंटल एग्जर्शन हो रहा है, मेंटली आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो उससे भी जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है। अगर मेंटल एक्साइटेशन के वजह से, किसी तरह का भी मेंटल एक्साइटेशन हुआ और उसके बाद ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में जो दवाई अच्छा काम करती है वो है कैमोमिला, कैल्केरिया का। कई बारी अगर फिजिकली आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल एग्जर्शन, ओवर एग्जर्शन के वजह से ब्लीडिंग हो गई, तो उस केस में आमरा ग्रीजिया अच्छा काम करती है।
कई फीमेल को कंप्लेन होती है कि स्पॉटिंग होती है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, जस्ट स्पॉटिंग हो रही है और पीरियड्स के बीच अगर ऐसी कंप्लेन है तो उसमें फॉस्फोरस एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये तो थोड़ी इन मेडिसिन की इंडिकेशंस थी, तो मेडिसिन और भी है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, कॉज क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेडिसिन आपको कौन सी चाहिए। तो अगर आपको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया मेट्रोरेजिया के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ ताकि बाकी लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट मिले। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।